गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम अपना एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमॉन्ग 24 चिल्ड्रन, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ़ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाई 4। इसमें बोला है कि एक स्वीट्स के डिब्बे हैं जो कि 24 बच्चों में बांटने हैं और हर एक बच्चे को 5 मिठाई मिल रही है। तो अब ये बोला है कि अगर 4 बच्चों को हटा दिया जाए, 4 बच्चों को घटा दिया जाए तो हर एक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी, ये हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखेंगे? लेट द नंबर ऑफ स्वीट्स ईच स्टूडेंट वुड गेट इक्वल टू एक्स, एक्स मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, रेशियो लिखेंगे, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 24:20। इफ 4 रिड्यूस्ड, अगर हम 4 रिड्यूस कर देंगे, ये आर लिखा है, 4 रिड्यूस 24-4 इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 24:20 रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्वीट्स ईच स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्वीट्स लिख लेते हैं बस। तो यहाँ लिख लेंगे हम एक्स, कितना है हमारा 5:x। ठीक है, तो हमें इन्वर्स प्रोपोर्शन करना है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा, ट्वेंटी फोर रेशो 20 प्रोपोर्शन का साइन एक्स रेशो 5, एक रेशो को आप अपोजिट लोगे। ठीक है, 24/20 इक्वल टू एक्स 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 24×5 इक्वल टू 20×x, तो एक्स इक्वल टू 24×5/20, 5×5, 5×20, 4×4, 4×6=24, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 6, यानी हर एक स्टूडेंट को 6 मिठाई मिलेगी। नंबर ऑफ स्वीट्स ईच स्टूडेंट वुड गेट इक्वल टू 6। ठीक है, ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी।